एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स, सब मजे में होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। और अभी देखिए सुबह का टाइम हो रहा है, तो मैंने कर दी ब्लॉग की शुरुआत। और हमारे यहाँ कल 14 तारीख की मकर संक्रांति नहीं मनाई थी, तो आज 15 तारीख है, 15 तारीख की मकर संक्रांति मना रहे हैं हमारे यहाँ। तो आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति, और भगवान महाकाल की आशीर्वाद सदाई आप पर बना रहे, भगवान महाकाल का आशीर्वाद बना रहे आप पर सदा ही। और ऐसे ही आप हंसते मुस्कुराते रहिए। और चलिए इसी के साथ ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, तो बने रहिएगा फ्रेंड्स वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, सब पोछे लगा रही हूँ, और पोछे झाड़ू लगा दी थी मैंने, झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछे लगा रही हूँ। तो ये जो सुबह का काम है ना, सारे काम से फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद फिर नहा कर आऊँगी। अभी नहा ही नहीं हूँ मैं, नहाना बाकी है मुझे, तो झाड़ू पोछे करने के बाद नहाऊँगी मैं। तो बस अभी झाड़ू पोछे कर रही हूँ। और त्यौहार रहता है ना, तो त्यौहार से काम ज़्यादा ही बढ़ जाता है। न्यू तो काम रहता ही रहता है सुबह रोज़ ही, लेकिन त्यौहार की वजह से और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो बस काम त्यौहार की वजह से बढ़ गया है थोड़ा सा। तो ये देखिए पोछा लगा दूंगी, और पोछा लगाने के बाद नहा कर फिर मैं लगूंगी खाना बनाने में। और अभी तो है ना, मैंने तिल पपड़ी भी नहीं बनाई है, तिल की मिठाई नहीं बनाई है, क्योंकि कल मैं मम्मी के घर चली गई थी। कल शाम को मम्मी के घर हमारा खाना था, तो बस इसीलिए मैं बना नहीं पाई थी। तो बस कल है ना, हम पूरे दिन भर वहीं रहे थे, यहाँ से काम से फ्री होने के बाद चली गई थी मैं मम्मी के घर। और फिर शाम को हम खाना खाने के बाद लेट आए थे, तो बस तिल की मिठाई नहीं बना पाई मैं। तो बस अभी बनाऊंगी। और ये देखिए सब काम से फ्री हो गई हूँ, तो मैंने बाहर रोटला भी धो दिया है। और ये जो मेरे घर के सामने धोया है मैंने, उधर दुकान की तरफ नहीं धोया। और यहाँ पे देखिए भगवान जी का मंदिर भी साफ़ कर दिया है, और किचन वगैरह सब साफ़ हो गए हैं। और अब कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे रखे थे। कल भी नहीं धो कर गई थी मैं, कल के कपड़े भी रखे थे मेरे, फिर आज के भी थे। तो कल के कपड़े है ना, मम्मी का फ़ोन आ गया था कि बेटा मेहमान आए हैं, तो आप आ जाओ थोड़ी देर के लिए। तो बस इसके पापा, हम बच्चे सभी चले गए थे मम्मी के घर पे, तो बस वो कपड़े भी नहीं धुले थे। तो कल वाले कपड़े भी हैं, थोड़े बहुत कपड़े आज के भी हैं, तो बस ये सारे ही कपड़े धो लूँगी। मतलब जो भी काम है सुबह का, बस वो काम कर लूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, नहा कर आ गई हूँ। तो अभी नहाने के बाद बनाएंगे हम तिल पपड़ी। तो ये तिल ले लिए मैंने, और थोड़ी सी ही बनाऊँगी मैं, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, तिल को सेक रही हूँ मैं, और एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी है कुकर में। तो यहाँ पर तिल को सेक लूँगी पहले मैं। और ये जो शक्कर है ना, ये शक्कर मैंने 1 किलो शक्कर अलग से मंगाई है, क्योंकि डिब्बे में जो शक्कर रखी थी ना, उससे नहीं बना रही हूँ मैं, अलग से मंगाई मैंने। भगवान जी को भी चढ़ाएंगे और उसमें से ही चाय बनाते, तो फिर क्या मतलब। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी शक्कर ले ली है, और 2 कटोरी तिल लिए है। तो बस इस तरह से 1 कटोरी शक्कर और 2 कटोरी तिल, और थोड़ा सा गुड़ डाल दिया है। गुड़ तो मैंने इसलिए डाला है कि आज के दिन है ना, गुड़ की पपड़ी बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, भगवान जी को भी चढ़ाते हैं। तो बस इसीलिए गुड़ बनाया है। और ये इसमें से पपड़ी है ना, कुत्ते को और गाय को भी दूंगी मैं, इसीलिए मैंने गुड़ डाला है थोड़ा सा। और तो देखिए फ्रेंड्स, गुड़ की चाशनी हमारी बनके तैयार हो गई, और बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था मैंने, आपके सामने ही बनाकर तैयार की, बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था। बस ऐसे ही शक्कर को पिघला ली मैंने, और उसके बाद फिर तिल डाल दिए हैं। और तिल डालने के बाद मैं इसको बस फैलाती जा रही हूँ। तो ये जो है ना, ये वाली थोड़ी सी हल्की सी मोटी साइज में रखूँगी मैं, सॉरी मोटी साइज में रखूँगी, और उसके बाद वो वाली बना कर रख ली है। फिर बाद में मैंने सिर्फ शक्कर वाली ही बनाई है, इसमें गुड़ नहीं डाला। तो इसको भी मैंने है ना, आधी कटोरी शक्कर ली थी और 1 कटोरी तिल लिए थे, तो बस इसमें गुड़ नहीं है। तो ये भी बेल लूँगी, और ये वाली मैं थोड़ी है ना पतली साइज में बनाऊँगी। तो ये दोनों ही रोटी बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ये तो मैं भगवान जी को नहीं चढ़ाऊँगी, और ना ही गाय कुत्ते को दूँगी, लेकिन हाँ वो गुड़ वाली ज़रूर दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बनाते हैं ना, तो बिल्कुल आसानी भी रहती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो देखिए दोनों ही पपड़ी बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर मैं गर्मा गर्म ही निकाल रही हूँ, अगर ठंडी हो जाती है ना, तो पूरी की पूरी रोटी ऐसी कैसी निकल जाती है, लेकिन मैं अभी गर्मा गर्म निकल रही हूँ, इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि इसके पापा जा रहे हैं गाय कुत्ते को देने के लिए, तो वो जल्दी कर रहे हैं। तो बस इसीलिए मैं गरम गरम निकाल रही हूँ ना, तो स्टील की थाली है, गरम ज़्यादा है, तो बस वो पूरी रोटी नहीं निकल रही है, नहीं तो पूरी रोटी निकल जाती है।
और यहाँ पे मैं भी भगवान जी को तिल पपड़ी चढ़ा रही हूँ अभी, तो बस पूजा कर लूँगी और तिल पपड़ी चढ़ा दूँगी। तो बस यहाँ भगवान जी के मंदिर के यहाँ आ गई हूँ मैं भी। तो उनको भेज दिए मैंने रोटी और गुड़, 5 रोटी मैंने कुत्ते के लिए दिए, 2 रोटी गाय के लिए दिए, गाय को दी वो घी लगा कर दिए, और जो कुत्ते को दिए ना बस वो रोटी मैंने उनको ऐसे ही दे दी है, सूखी रोटी, और गुड़ दिया है थोड़ा सा, तिल पपड़ी दिए, और है ना चावल की खिचड़ी बनाई थी ना, तो बस चावल दिए हैं थोड़े से। तो ये सब देकर उनको भेज दिया है मैंने कि आप गाय कुत्ते को दे कर आओ, जब तक मैं यहाँ पे भगवान जी को चढ़ा देती हूँ। तो बस भगवान जी को भी मैंने भोग लगा दिया है तिल पपड़ी का, भगवान जी को भी चढ़ा दिया है। और आ जाइए फ्रेंड्स, आप सब भी प्रसाद ले लीजिए तिल पपड़ी की, और मुझे बताना ज़रूर कि ये मैंने सिंपल तरीके से बनाकर तैयार की है तिल पपड़ी कैसी बनी है। और देखिए यहाँ पर लाइट चली गई है, तो बस अंधेरे की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है ठीक से। तो ये देखिए, ये वाली रोटी ठंडी हो गई थी ना, तो फिर निकाली थी मैंने, तो पूरी रोटी निकल गई। वो रोटी भी ऐसे पूरी निकल जाती, लेकिन उस टाइम पे थाली गर्म थी ना तो नहीं निकली। और ये देखिए, मैं आपको चावल का बोल रही थी ना, तो ये चावल बनाए थे मैंने, और ये रोटियाँ बनाई थी और दाल बनाई थी, बस अभी तो मैंने यही सब बनाया था, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। तो बस दाल रोटी चावल यही बनाया था अभी खाने में। उसके बाद हम धूप में बैठ गए थे थोड़ी सी देर खाना खाने के बाद, तो बच्चे है ना पतंग उड़ाने के लिए जिद कर रहे थे, तो देवांश पतंग उड़ा रहा था, थोड़ी सी उंगली भी कट गई थी उसकी। और फिर मैं ना ऊपर से नीचे आई तो बस कपड़े लेकर आ गई थी, तो कपड़े भी मैंने घड़ी कर लूँगी, यहाँ पे कपड़े भी सूख गए थे तो बस घड़ी कर रही हूँ। और अभी हमें ना मम्मी के घर पे चाय पीने के लिए भी जाना है, क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया था अभी कि घर पे आ जाना चाय पीने के लिए, आज संक्रांत है, तो बस बहन बेटी को चाय पिलाना खाना खिलाना ये अच्छा रहता है। तो कल तो खाना खाया था उनके घर पे, लेकिन आज चाय के लिए भी फ़ोन आ गया, तो बस अभी जाएंगे हम लोग, तो चाय पी कर आ जाएंगे मम्मी के यहाँ पे। और चाय पीने के बाद फिर सबकी यहाँ पे ना कोई बोल रहा है ये बनाओ, कोई बोल रहा है वो बनाओ, तो देखते हैं क्या बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं मम्मी के यहाँ से आ गई थी, उसके बाद फिर यहाँ पे ना गराड़ू को मैंने उबाल लिए हैं पानी में। हर बार गराड़ू को इस तरह से काट के फ्राई कर लेती हूँ बस, लेकिन इस बार मैंने थोड़े से उबाल लिए हैं गराड़ू को पानी में, और उबालने के बाद छील रही हूँ इनको। तो बस आलू उबालते हैं ना, ऐसे उबाल लेते हैं, उसके बाद छील रही हूँ, और छीलने के बाद फिर फ्राई करेंगे। तो ये भी है ना बहुत आसानी से छिलने में भी आ जाते हैं, और इस तरह से फ्राई करो ना तो जल्दी फ्राई भी हो जाते हैं। तो बस जल्दी फ्राई करने के लिए ही मैंने ये गराड़ू को देखिए उबाल लिया, और अब छिलकर इनको बारीक बारीक काट लेंगे हम। तो देखिए इस साइज में काट रही हूँ मैं गराड़ू को, और ये कितने अच्छे से बब गए हैं, उबले हुए पानी में बहुत अच्छे से बब गए हैं। बस इनको ऐसे काट कर सब्जी भी बना सकते हैं, बस ऐसे काट कर अच्छे से टमाटर हरी मिर्ची सब डालकर मसाला डालकर सब्जी बना लो ना, तो सूखी सब्जी बनाओ चाहे ग्रेवी वाली सब्जी बनाओ, खाने में बहुत बढ़िया लगती है, क्योंकि मैंने बना रखी है तो बहुत बढ़िया लगती है ये सब्जी खाने में। और देखिए यहाँ पे है ना तेल गरम हो गया है, तो बस मैंने गराड़ू डाल दिए हैं तेल में, और अब फ्राई कर लेंगे हम गराड़ू को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये उबले हुए गराड़ू है ना तो जल्दी फ्राई हो गए और एकदम से क्रिस्पी हो गए हैं। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं और मसाला डाल देते हैं, और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, और आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, और जो दोस्त नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को एंड करते, ओके बाय बाय।